बिग बॉस ओटीटी विनर एल्विश यादव से 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। व्हाट्सएप मैसेज के जरिए 17 अक्टूबर को रंगदारी मांगी गई। इस मामले में सेक्टर 53 थाना पुलिस ने आईपीसी की धारा 384 और 386 के तहत केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की पहली जांच में पता चला कि एल्विश यादव से रंगदारी मांगने वाला आरोपी गुजरात का रहने वाला है, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक टीम आरोपी को पकड़ने के लिए गुजरात रवाना की, जिसे आज सुबह गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर गुरुग्राम पुलिस गुड़गांव ले आ रही है। आरोपी को गुड़गांव पहुंचने के बाद जांच में पता चलेगा कि आखिर उसने एल्विश यादव से रंगदारी क्यों मांगी। देखिए, YouTube जो इन्फ्लुएंसर हैं, बिग बॉस OTT सेकंड के जो विनर एल्विश यादव हैं, उनके माध्यम से एक हमारे पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट हमने रिसीव करी है गुड़गांव के अंदर, जिसके अंदर उन्होंने बताया है कि उनके पास धमकी भरे मैसेजेस आए हुए हैं उनके मोबाइल व्हाट्सएप के ऊपर, और जिस संबंध में जो पुलिस द्वारा उनके मतलब कंप्लेंट को मद्देनजर रखते हुए एक FIR रजिस्टर्ड करी गई है। 25 अक्टूबर को ये FIR रजिस्टर्ड करी गई है गुड़गांव के अंदर, जिस संबंध में हमारी क्राइम ब्रांच सेक्टर 40 की जो टीम है उस द्वारा टीम गठित करी गई है। हमारे जो IPS कमिश्नर पुलिस हैं विकास अरोड़ा, उनके मार्गदर्शन में और हमारे जो DCP क्राइम हैं उनके दिशा निर्देश के दौरान एक टीम गठित करके हमने संबंधित जहाँ की हमें जानकारियाँ प्राप्त हुई वहाँ पर हमने एक टीम रवाना करी और गुजरात वडनगर से शाकिर मकरानी सन ऑफ जाकिर, इसकी उम्र लगभग 24 वर्ष है, वडनगर से इसको अरेस्ट करा है और इसको अरेस्ट करने में सफलता प्राप्त करी। क्राइम ACP वरुण भैया ने जानकारी देते हुए कहा, गुजरात के रहने वाले आरोपी साकिर ने 17 अक्टूबर को एल्विश यादव को व्हाट्सएप मैसेज द्वारा धमकी देकर 1 करोड़ की रंगदारी मांगी थी, लेकिन एल्विश यादव उसे समय विदेश यात्रा पर थे, जिसके कारण वह मैसेज नहीं देख पाए, जिसके कारण 25 अक्टूबर को उन्होंने पुलिस को शिकायत दी, जिसके आधार पर गुजरात के रहने वाले एक आरोपी साकिर को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। ACP क्राइम वरुण धैया ने बताया कि एल्विश यादव को धमकी देकर रंगदारी मांगने वाला आरोपी एल्विश यादव की लाइफस्टाइल से प्रभावित था और वह कम समय में अमीर बनने का ख्वाब देख रहा था, इसलिए उसने एल्विश यादव से 1 करोड़ रुपए की डिमांड कर डाली, क्योंकि उसे पता था एल्विश यादव सोशल मीडिया के माध्यम से अच्छा खासा मोटा कमाते हैं और बिग बॉस OTT के विजेता हैं, इसलिए वह इतनी मोटी रकम आसानी से दे सकता है। इसलिए उसने एल्विश यादव को व्हाट्सएप मैसेज कर यह रंगदारी मांगी। फिलहाल पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच में जुट गई है। ये जो हमारे पास शिकायत प्राप्त हुई एल्विश यादव के माध्यम से, एल्विश यादव ने हमें बताया है कि ये कुछ विदेशी दौरे पे थे अपने और अपने एक साथी के साथ जो उनके एज ए मैनेजर काम करते हैं, और जब ये वापस 17 तारीख के आसपास वापस गुड़गांव पहुंचे हैं तो इनके मोबाइल फोन्स के ऊपर व्हाट्सएप के माध्यम से कुछ धमकी भरे मैसेजेस आए हुए थे। उस मैसेजेस के अंदर पहले इनसे 40 लाख रुपये की डिमांड करी गई थी फिरौती के तौर पर, फिर बाद में 1 करोड़ रुपये की डिमांड रखी गई, जिसके तहत फिर बाद में इन्होंने पुलिस को सूचना दी है, और पुलिस को सूचना देने के बाद पुलिस ने इसकी गहनता से जांच शुरू करी और सभी अपना पूरा प्रॉपरली होमवर्क करके और फिर फर्दर जो हमने जानकारियां इकट्ठी करी हैं उसके बाद फिर हमने एक टीम गठित करके संबंधित इलाके की छानबीन के लिए और जो सस्पेक्ट थे उनको पकड़ने के हेतु हमने वहाँ टीम भेजी और फिर उनको पकड़ने में हमने सफलता प्राप्त करी है। इसमें जो लड़का पकड़ा गया है शाकिर मकरानी है सन ऑफ जाकिर, जो वडनगर का निवासी है, वडनगर गुजरात, वहां से इसको अभी अरेस्ट करा गया है। और प्रारंभिक पूछताछ में पता चली है कि जिस प्रकार से ये एल्विश यादव से काफ़ी प्रभावित था, उसके लाइफस्टाइल से काफ़ी प्रभावित था और काफ़ी छोटी उम्र में ही ये इस तरीके से कुछ जैसे करोड़पति बनने की ख्वाहिश रखता था, और ये वहाँ पर एक RTO एजेंट के तौर पर काम कर रहा है, इसके फादर भी बतौर RTO एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं, तो उस दौरान इसके माइंड में ये चीज़ें आई कि इस तरीके से ये इजी वे है पैसे कमाने का, तो इस तरीके से इन्होंने एक धमकी भरा मैसेज एल्विश यादव और उनके एक जो साथी हैं उनके पास भेजा। तो क्या सिक्योरिटी बढ़ाई जाएगी एल्विश यादव की इस तरह की धमकी को देखकर? देखिए, संबंधित जितनी भी जो भी जायज कार्रवाई करी जाएगी गुड़गांव पुलिस के बिहाफ पे जरूर करा जाएगा। हमारे जो आला अधिकारी हैं सभी बातों के लिए संज्ञान ले रहे हैं और संबंधित जो भी कार्रवाई करी जाएगी वो अमल में लाई जाएगी। किसी गैंग से भी कोई रिलेशन है सर जो पकड़ा गया है? देखिए, प्रारंभिक पूछताछ जो हमारी अब तक हुई है, जो अभी अरेस्ट करा है उसको कुछ टाइम पहले,
और उसको अब यहाँ गुड़गांव लाया जाएगा और यहाँ पर रिमांड सीख करा जाएगा। पूछताछ के दौरान पता चलेगा कि क्या क्या एग्जैक्टली इसकी मर्डर सरप्रेंडी रही हैं, ऐसे कौन व्यक्ति विशेष इसके साथ संलिप्त हैं और किसकी सहायता से और किस माध्यम से इस घटनाक्रम को इसने अंजाम दिया है, तो गहनता से भी और जांच करी जाएगी। जो प्रारंभिक पूछताछ में जो चीजें सामने आई वो बताया गया। सर, इस पूरे मामले में गुरुग्राम पुलिस के साथ साथ क्या गुजरात पुलिस का भी मदद ली गई? देखिए, जब हमने अपनी यहाँ से हमने टीम रवाना करी और संबंधित हमारे पास जानकारी इकट्ठी हुई, वो सारी जानकारी हमने गुजरात पुलिस के साथ वहाँ पर संबंधित जो वहाँ पर वडनगर जो पुलिस है वहाँ पर पुलिस अधीक्षक के माध्यम से और उन पुलिस के साथ हमने शेयर करी और बहुत ही सराहनीय हमारे को वहाँ पर कोऑपरेशन मिला गुजरात पुलिस की तरफ से और गुजरात पुलिस ने हमारी मदद करी इस चीज़ के लिए। और गुजरात पुलिस, हम हरियाणा पुलिस और गुड़गांव पुलिस के माध्यम से भी हम गुड़गांव पुलिस का बड़े शुक्राना करना चाहते हैं और बड़ी अच्छा कोऑपरेशन उन्होंने हमें को दी।